इनमें से कौन सा जिला बीकानेर संभाग में नहीं आता? पहले का आंसर, हाँ जी, कैलाश देवासी एकदम सही आंसर, नरेंद्र सर आपका भी सही आंसर, और किशन देवासी आपका भी सही आंसर। हाँ जी, कौन सा नहीं आता है? नागौर नहीं आता। इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक लिख लेना, बिग चूआ, बिग चूआ, बिग चूआ मतलब बड़ा चूआ, बिग मतलब बी का मतलब बीकानेर हो गया, और गय से गंगानगर हो गया, चू से चूआ हो गया, ऐसे हनुमानगढ़। कौन सा आता है? हनुमानगढ़, बिग चूआ, मतलब चार जिले आते हैं बीकानेर संभाग में, याद हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है? आधुनिक राजस्थान का पूर्ण निर्माण कब हुआ? अपने राजस्थान का आधुनिक निर्माण कब हुआ? एकदम शानदार सा सवाल है, लड्डू सा सवाल है। इसमें से जो अभी ये टेस्ट क्विज चल रही है, इसमें से कम 10 क्वेश्चन आपको राजस्थान पुलिस, पटवारी, विष्णु हाथी, आप पहले क्वेश्चन लिखो उसके बाद आंसर दो, क्वेश्चन नंबर लिख के उसके बाद आंसर दो। हाँ जी, इसमें से राजस्थान पुलिस में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, बीएसटीसी में कम से कम 20 क्वेश्चन आएंगे। जो बंदा बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड का हीरा राय का एकदम सही आंसर है, हीरा राय का एकदम सही आंसर है। लड्डू सा सवाल था एकदम, ये एकीकरण का सवाल था, 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ जी, विष्णु कुमार, विष्णु खाती एकदम सही आंसर, शेर सिंह भाटी आपका भी सही आंसर। निम्न में से कौन सा जिला जोधपुर संभाग में नहीं आता है? अभी बताया था, अभी अब ट्रिक आपको याद हो गई तो अभी तुरंत आंसर दे दोगे। थर्ड का कैलाश देवासी एकदम सही आंसर, शारदा प्रजापत एकदम सही आंसर, इंद्रजीत कुमावत आपका भी सही आंसर, चूरू, अभी बताया था, बिग चूहा, बिग चूहा, बड़ा चूहा, बी से बीकानेर हो गया, गै से गंगानगर हो गया, चू से चूरू हो गया, ऐ से हनुमानगढ़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इस समय राजस्थान में उप विभाजन कितने हैं? इस समय राजस्थान में उप विभाजन कितने हैं? एक बार वीडियो को लाइक कर दो, एक बार लाइक कर दो, शेयर भी कर दो साथ साथ में, सभी ग्रुपों में या स्टेटस लगा लो, ताकि बंदे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े आपके दोस्त, और उनकी तैयारी आप भी जान सकते हो कि कितने आंसर सही दे रहा है। इस समय राजस्थान में उप विभाजन कितने हैं? हाँ जी, मिस्टर मिस्टर सुरेंद्र यादव आपका एकदम सही आंसर है, 289। नेक्स्ट, राजस्थान की धातु नगरी के नाम से जाना जाता है, धातु नगरी, जहाँ सबसे ज़्यादा कृषि के औजार बनाए जाते हैं, एग्रीकल्चर के सारे सामान लमसम वहीं बनाते हैं। हाँ जी, कालू जी सोवा, चार का मतलब है कि बीकानेर में चार जिले आते हैं। विष्णु खाती आप क्वेश्चन नंबर लिख के उसके बाद में आंसर दो। हाँ जी, नागौर एकदम सही आंसर है, नागौर। नेक्स्ट, हाँ जी, निम्न में से कौन सा जिला जयपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता? हाँ जी, छठवे का आंसर दो, छठे का, शारदा प्रजापत आपका सही आंसर है, छठवे का आंसर, जयपुर संभाग में कौन सा जिला नहीं आता? तो प्लेलिस्ट में संभागों की मैंने 5 मिनट की ओनली पर 5 मिनट की वीडियो डाल रखी है, कल 5 मिनट की वीडियो डाल रखी है, उसी में से ये सारे के सारे क्वेश्चन उसी में से हैं। वो एकदम ट्रिकली सवाल है, एकदम ये मैंने जो बता रखा हूँ बिग चूहा, ऐसे शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, जितने भी संभाग है अपने राजस्थान में उनकी संभागों की ट्रिक से के साथ 5 मिनट की वीडियो डाल रखी है। हाँ जी, महेश कुमार तो एकदम सही आंसर, विष्णु खाती एकदम सही आंसर, बुद्धाराम जी आपका स्वागत है, एकदम सही आंसर, धौलपुर, मात्र 5 मिनट की है, उसको देखोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां आंसर, विष्णु भाटी आपका एकदम सही आंसर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, जो इसीलिए मैंने कल वो वीडियो डाला था, क्या कि मैं उसके सवाल डालूं।
पशुधन डाला है उसमें, वाद्य यंत्र डाला है और संभाग के क्वेश्चन डाले हैं, एकदम 5-5 मिनट के हैं टॉपिक, मैंने एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ डाला है। हाँ जी, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है। जोधपुर संभाग सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। हाँ जी, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लेना। कौन किस संभाग में चार जिले नहीं आते? किस संभाग में चार जिले नहीं आते? आठवें का। हाँ जी, सुनील कुमार एकदम सही आंसर। उदयपुर में नहीं आते हैं, उदयपुर में छह आते हैं, छह जिले आते हैं। बीकानेर में चार आते हैं, भरतपुर में चार आते हैं, अजमेर में चार आते हैं। राज्य के किस संभाग में जिलों की सर्वाधिक संख्या है? राज्य के किस संभाग में, अभी बताया था, राज्य के किस संभाग में जिलों की सर्वाधिक संख्या है? छह बताया था अभी मैंने। एकदम लड्डू से सवाल है, सारे के सारे लड्डू से सवाल है। हाँ जी, नौवें का सुनील कुमावत एकदम सही आंसर। आपकी तैयारी एकदम शानदार है, आपने सारी टेस्ट भी लिए ना, इस वजह से आपकी तैयारी एकदम शानदार हो गई है। हाँ जी, दसवां सवाल, 23 अगस्त 2008 को किसे राज्य का पांचवां नगर निगम बनाया गया था? दसवें का, 23 अगस्त 2008 को किसे राज्य का पांचवां नगर निगम बनाया गया था? डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसमें भी आप जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उसमें भी आप जुड़ सकते हो। हाँ जी, विष्णु खाती एकदम सही आंसर आपका, सुनील कुमावत भी आपका भी सही आंसर, राजवीर सिंह राठौड़ आपका भी सही आंसर, बीकानेर का। लड्डू से सवाल पूछ रहा हूँ, कोई हार्ड वाले नहीं है। हाँ जी, 11वां, हाँ जी, किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई है। हाँ जी, शारदा प्रजापत चूरू एकदम सही आंसर, सुनील कुमावत आपका भी सही आंसर। इसके लिए क्या ट्रिक है? SBBJ, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जो अपने पाकिस्तान के साथ रेड क्लिप रेखा लगती है 1070 किलोमीटर, उसकी ट्रिक क्या है? SBBJ। हाँ जी, नेक्स्ट, राज्य के किस जिले में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है? वार्षिक तापांतर कौन से जिले में सर्वाधिक होता है? सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? विष्णु खाती, आप क्वेश्चन नंबर लिख के उसके बाद आंसर दो। आपके क्वेश्चन एकदम सही आंसर आ रहे हैं, लेकिन कमेंट धीरे आ रहे हैं, तो इस वजह से बता रहा हूं कि आप क्वेश्चन नंबर लिखो उसके बाद आंसर दो। हाँ जी, 12वें का आंसर लड्डू सवाल है, इसमें कंफ्यूज होने वाले हैं। हाँ जी, सबका आंसर एकदम सही आंसर आ गया, चूरू। हाँ जी, नेक्स्ट, राजस्थान की आकृति कैसी है? लड्डू सा सवाल, एकदम शानदार सवाल है, इसमें देखते हैं किसके सही होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये मैंने क्वेश्चन पहले टेस्ट क्विज में दे रखा है, सारे के सारे का आंसर एकदम सही होगा। हाँ जी, 14 का आंसर, 14 क्वेश्चन का आंसर दो, पतंगाकार बोलते हैं जिसको, राजस्थान की आकृति। चौदह का एकदम सही आंसर, शारदा प्रजापत, विष्णु खाती एकदम सही आंसर। हाँ जी, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, टेस्ट क्विज कैसी लगी एक बार बताना, क्वेश्चन कैसे हैं एक बार सबके सब बताना, क्वेश्चन कैसे हैं। ऐसे ही पूछते हैं राजस्थान पुलिस, BSTC और हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट LDC जो हाईकोर्ट है, डी ग्रुप हाई कोर्ट का, क्वेश्चन कैसे हैं बताना एक बार। क्वेश्चन कैसे हैं? एकदम सर सही है, सर मस्त है, एकदम सही है, अच्छे हैं, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में निम्न में से अरावली की चोटियों का सही क्रम कौन सा है? हाँ जी,
हाँ जी 1857 की क्रांति का शाम को टेस्ट होगा, 1857 की क्रांति का शाम को टेस्ट होगा, उसके मैं नोट्स अभी भेज दूंगा ग्रुप में, वो उससे मैं मतलब एकदम शानदार तरीके से समझा रखा है। हाँ जी 15वें का आंसर एकदम सही है। विष्णु खाती आप क्वेश्चन नंबर लिख के उसके बाद आंसर दो। हाँ जी 15 का आंसर एकदम सही, सबका आंसर एकदम सही आया है। हाँ जी नेक्स्ट, उदयपुर में राजसमंद से आगे पूर्व की ओर फैला विच्छादित व कटा फटा पठार निम्न में से क्या कहलाता है? उदयपुर से आगे कटा फटा पठार क्या कहलाता है? हाँ जी विष्णु खाती राजवीर सिंह राठौड़ एकदम सही आंसर, लसाड़िया का पठार कहलाता है कटाफटा। हाँ जी नेक्स्ट अपना 17वां क्वेश्चन, 56 की पहाड़ियों से संबंधित क्षेत्र है, 56 की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? 56 का मैदान तो प्रतापगढ़ में, 56 की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? पहाड़ियाँ पूछा है 17वां। हाँ जी सुरेंद्र यादव एकदम सही आंसर, विष्णु खाती एकदम सही आंसर, कैलाश देवासी आपका भी सही आंसर, 56 की पहाड़ियों से संबंधित क्षेत्र है, 56 का मैदान पूछे तो प्रतापगढ़ है और 56 की पहाड़ियाँ पूछे तो बाड़मेर में, 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में। हाँ जी ये सुनील कुमावत आपका 17 का आंसर एकदम गलत है। हाँ जी मोटिवेशन पावर आपका एकदम सही आंसर है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्योंकि बाड़मेर कहाँ क्षेत्र आता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। हाँ जी नेक्स्ट एकदम शानदार सा लड्डू सा सवाल है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूता? मतलब कौन से जिले राजस्थान के जो मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं? मध्य प्रदेश में कितने टोटल 1600 किलोमीटर सीमा लगती है, 1600 किलोमीटर सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जिले लगते हैं वहाँ पे, 10 जिले लगते हैं टच में करते हैं। 18 का आंसर दो, मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले जिले। हाँ जी एकदम सही आंसर है मनोज टाक, आप थोड़ा लेट आए, एकदम सही आंसर है, लेकिन पहले ही क्वेश्चन का शॉट मार दिया आपने, डायरेक्ट 6 लगाना है। मैं ऐसी तैयारी कर दूंगा कि करवा दूंगा कि आप जाते ही क्वेश्चन नंबर देखते ही एकदम 6 लगाओगे। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है, दोनों के साथ टच करता है? कौन सा जिला राजस्थान का MP और UP से टच करता है? अभी तक तो 19 ही सवाल है, एक बार शेयर कर दो जो दोस्तों के पास। हाँ जी शारदा प्रजापत नरेंद्र सुनील कुमावत एकदम सही आंसर है, धौलपुर, धौलपुर सीमा MP और UP दोनों से टच होती है। राज्य का कौन सा जिला पंजाब और हरियाणा दोनों को स्पर्श करता है? हाँ जी बुद्धाराम जी एकदम सही आंसर आपका, धौलपुर। राज्य का कौन सा जिला पंजाब एवं हरियाणा दोनों को स्पर्श करता है? हाँ जी 20वें का एकदम सही आंसर है, विष्णु भाटी सुरेंद्र यादव और राजवीर सिंह राठौड़, हनुमानगढ़। पाली निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूता है? जो अंतर्वर्ती जिला है पाली, 8 जिलों को टच करता है, लेकिन इनमें से कौन सा जिले को टच नहीं करता है? पाली हाँ जी शेर सिंह भाटी एकदम सही आंसर, इंद्रजीत कुमावत आपका भी सही आंसर। हाँ जी भीलवाड़ा को टच नहीं करता है। हाँ जी निम्न में से कौन ग्रेनाइट पर्वत के नाम से विख्यात है? ग्रेनाइट पर्वत के नाम से विख्यात है, कैलाश देवासी किशन देवासी बुद्धाराम आपका भी एकदम सही आंसर है। 21 का 22 का बताऊँ, BSTC में कम से कम इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, इस टेस्ट क्विज से कम 15 या 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हाँ जी राजवीर सिंह राठौड़ एकदम सही आंसर है आपका, नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर वाला एकदम सही आंसर।
हाँ जी नेक्स्ट, निम्न में से कौन सिंधु बेसिन व गंगा बेसिन के मध्य जल विभाजक है? हाँ जी 23 का 23 का एक बार लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हाँ जी 23 नहीं पता नहीं पता। हाँ जी इसका आंसर है अरावली पर्वतमाला। ठीक है नेक्स्ट, वर्तमान में अरावली पर्वतमाला कैसी पर्वत है? वर्तमान में अरावली कैसा पर्वत है? हाँ जी 24 का 24 का इसमें थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है तो मैं बता देता हूं। तो इसका क्या आंसर होगा? अवशिष्ट वलित पर्वतमाला है। अवशिष्ट वलित पर्वतमाला है, पर्वतमाला। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, दोनों आंसर होगा, टेंशन मत लो। तो पूरा बता दिया मैंने। नेक्स्ट, 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा निम्न से किस जिले से गुजरती है? 70 डिग्री, 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा निम्न से किस जिले से गुजरती है? कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत थे, कोई बात नहीं, मैं बता दिया उसका, वो सबको बोनस मिल जाएगा। हाँ जी 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा निम्न से किस जिले से गुजरती है? 25 का एकदम सबका आंसर सही है। शारदा प्रजापत, शेर सिंह भाटी, मनोज टाक, आपका भी सही आंसर है, जैसलमेर। हाँ जी नेक्स्ट, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले से गुजरती है? 30 डिग्री पूछा है, 26 का विष्णु खाती, एकदम सही आंसर आपका। तीस डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले से गुजरती है? हाँ जी कैलाश देवासी विष्णु, हाँ जी 30 डिग्री एकदम सही आंसर है उसका, गंगानगर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हाँ जी एकदम लड्डू सा सवाल है, एकदम मोस्ट फूल पत्ती वाला सवाल है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई एवं पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई का क्रमशः है कौन सा होगा? उत्तर से दक्षिण ऐसे पूछा ये राजस्थान, उत्तर से दक्षिण, पहले उत्तर से दक्षिण का देना है, फिर पूर्व से पश्चिम का, इधर से इधर का। तो ये चौड़ाई थोड़ी लंबी है, ये थोड़ी संकरी है, तो कौन सा होगा? हाँ जी 27 का आंसर, लड्डू से सवाल एकदम सबको याद होना चाहिए। हाँ जी शेर सिंह भाटी आपका आंसर गलत है, बुद्धाराम एकदम सही आंसर, इंद्रजीत कुमावत आपका भी एकदम सही आंसर। हाँ जी नेक्स्ट, राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है जो पाकिस्तान के साथ लगती है? अभी बताया था एस बी बी जे। हाँ जी 28 का आंसर, सबका आंसर एकदम सही आंसर है, 1070 किलोमीटर। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्रम से उत्तर से पश्चिम की ओर जिले हैं, तो इसमें सी में थोड़ा करेक्शन है, सी में दोनों ऑप्शन एक जगह एक जैसे ही है, तो इसमें है बाड़मेर, यहाँ है बाड़मेर, यहाँ है सी में। अब बताओ हाँ जी 29 का सबका आंसर एकदम सही आंसर आ गया, सी एकदम सही आंसर है सी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के मध्य
राज्य के किस जिले की सीमा सर्वाधिक लंबी है? जो अपने रेड क्लिफ रेखा लगती है, तो कौन से जिले की सर्वाधिक सीमा लगती है? 484 किलोमीटर। तीस का फौजी फैन क्या बता रहे हो आप? तीस का जैसलमेर की। एकदम सही आंसर जैसलमेर। बत्तीस का क्या हो रहा है ये? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, एक क्वेश्चन छूट गया 31। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से जब अलग हुआ था तब बड़ा था अपना राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हाँ जी, निम्न से कौन सा संभाग मरुधर के नाम से जाना जाता है? एकदम शानदार सवाल है। हाँ जी, निम्न से कौन सा संभाग मरुधर के नाम से जाना जाता है? मरुधर नगरी, सूर्य नगरी बोलते हैं उसको। कौन सा संभाग? हाँ जी, नरेंद्र, एकदम सही आंसर नरेंद्र जी। शारदा प्रजापत, आपका भी सही आंसर जोधपुर। 34 का, कौन सा पर्वत आडावाला या ओडोवाला पर्वत कहलाता है? कौन सा पर्वत, मैंने ये क्वेश्चन पहले टेस्ट सीरीज को क्विज में दे रखा है। 34 का, कौन सा पर्वत आडावाला पर्वत कहलाता है? एक बार टेस्ट क्विज को लाइक कर दो, शेयर कर दो। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेंगे, इसमें से 4-5 क्वेश्चन। हाँ जी, अरावली पर्वतमाला, एकदम सबका आंसर एकदम सही आंसर है। इसका मतलब आपने टेस्ट क्विज एकदम ध्यान से लिए पहले। हाँ जी, राज्य का कौन सा क्षेत्र या भू आकृति प्रदेश स्पष्ट अदर प्रवाह का क्षेत्र है? राज्य का कौन सा क्षेत्र या भू आकृति प्रदेश अस्पष्ट अदर प्रवाह का क्षेत्र है, क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पानी नदियाँ सबसे ज़्यादा चलती है, तो अस्पष्ट मतलब उनकी आकृति निश्चित नहीं होती, उनका पूछ रखा है कौन से क्षेत्र में चलती है नदियाँ सबसे ज़्यादा, कहाँ चलती है? कोटा में, तो उसका क्षेत्र बताओ। हाँ जी, डी आंसर एकदम सही आंसर, शेर सिंह भाटी, आपका एकदम सही आंसर। दक्षिणी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, एकदम सही आंसर। हाँ जी, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? 36 का आंसर दो, 36 का, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आपका ये 36 नंबर लमसम का गलत होगा मेरे को लग रहा है उम्मीद, लेकिन जिसने टेस्ट क्विज दिया है उसका एकदम सही आंसर होगा। हाँ जी, 36 का आंसर सुनील कुमावत, एकदम सही आंसर, पहला ही एकदम सही आंसर सबने दिया है। हाँ जी, नेक्स्ट, जरगा की पहाड़िया व हर्षनाथ की पहाड़िया क्रम से कहाँ पर स्थित है? जरगा की पहाड़िया व हर्षनाथ की पहाड़िया कहाँ स्थित है? आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन गलत नहीं है, बाद में बताऊंगा, लेकिन इसके आंसर दो। जरगा की पहाड़िया व हर्षनाथ की पहाड़िया क्रम से कहाँ पर स्थित है? हाँ जी, 39 का, 39 39 क्वेश्चन नंबर सही देखो, उसके बाद में आंसर दो। हर्षनाथ की पहाड़िया पूछा है मैंने, हर्षनाथ की पहाड़िया पूछा, हर्ष की पहाड़िया नहीं पूछा है, तभी तो बोल रहा हूं मैं, एक बार क्वेश्चन का आंसर दो, उसके बाद में आंसर बताऊंगा मैं। हाँ जी, 39 में आंसर है उदयपुर और अलवर। जरगा की पहाड़ियाँ तो सबको पता ही है, जरगा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं?
जरगा पाड़िया, जरगा पाड़िया उदयपुर में, और हर्षनाथ की पाड़िया, हर्ष की पाड़ी, ओनली फॉर आए हर्ष की पाड़ी, हर्ष की पहाड़ी। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये बार बार पूछते हैं, हर्ष की पाड़ी आए तो क्या है, शिखर, ओनली फॉर हर्ष की पाड़ी आए तो शिखर है, और हर्षनाथ की पाड़ी आए, हर्षनाथ, हर्षनाथ नाथ आए हर्षनाथ की पहाड़ी, तो क्या करना है, अलवर। क्लियर हुआ सबको, हर्षनाथ की पाड़ी आए तो अलवर करना है, हाँ जी, और हर्ष की पाड़ी आए तो ओनली फॉर सीकर करना है। नेक्स्ट, बोराट का पठार स्थित है, बोराट का पठार कहाँ पे स्थित है, हाँ जी, ओके सर, यस यस, ओके, एकदम क्लियर हो गया सबको इसका मतलब, ठीक है ठीक है। बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है, 40 का आंसर, तो 40 का मात्र 10 क्वेश्चन बचे हैं, शानदार लड्डू सा सवाल है। ये किस में आया था, सेकेंड ग्रेड टीचर में आया था, सेकेंड ग्रेड टीचर 2009 में आया था, बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है, हाँ जी, सब का आंसर सही है, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच में, हाँ जी सही आंसर, हाँ जी। देशहारो क्या है, देशहारो, देशहारो नहीं है, देशहारो है इसका है, देशहारो क्या है, ये बीच में एक लाइन नहीं है, देशहारो क्या है, देशहारो क्या है, फोर्टी वन का है बी, एकदम सही आंसर, कैलाश देवासी, देश हरो एक पठार है। नेक्स्ट, हाँ जी, माही नदी के किनारे स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है, जिसको हम काठल की गंगा बोलते हैं, माही नदी को क्या बोलते हैं, माही नदी को क्या बोलते हैं, माही नदी को बोलते हैं काठल की गंगा, काठल की गंगा, तो ये पूछ रखा है, माही नदी के किनारे स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है, शानदार लड्डू से सवाल है। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, विष्णु खाती, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सुरेंद्र यादव, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, हाँ जी, इसका आंसर है काठल, हाँ जी, 43 का आंसर दो। अब नाली क्या है, नाली क्या है, नाली क्या है, फोर्टी थ्री का आंसर, नाली क्या है, पशुधन की भी मैंने एक ट्रिक बना के कल ओनली फॉर 5 या 6 मिनट की है पशुधन की, और 5 या 6 मिनट का वीडियो है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, 5 या 6 मिनट का है संभाग का, जिसमें जितने भी संभाग है उनको 100 ट्रिक से के साथ दे रखा है, हाँ जी। नाली दो को बोलते हैं, हाँ जी, नाली दो को बोलते हैं, नाली, नाली एक तो भेड़ की है, भेड़ की, और दूसरी अपनी गग्गर के नदी के पार्ट को कहा जाता है, ठीक है, जो हनुमानगढ़ में नाली भेड़ पाई जाती है। नेक्स्ट, भाकर कहाँ स्थित है, भाकर, हाँ जी, किशन देवासी, एकदम सही आंसर आपका, भाकर कहाँ स्थित है, भाकर है या दोनों आते हैं, भाकर भी आते हैं और भाखर भी आते हैं, भाकर और भाकर दोनों में से कंफ्यूज नहीं होना है, भाकर और भाकर कहाँ स्थित है, हाँ जी, सुनील कुमावत आपका एकदम सही आंसर है, भोमाराम आपका भी सही आंसर है, सिरोही, हाँ जी, हमदा क्या है, हमदा, हमदा क्या है, जो जोधपुर के सीमा और जैसलमेर की सीमा पर स्थित है, सिरोही एकदम सही आंसर है आपका, हमदा क्या है, जो हमदा क्या है कहाँ पे लगता है, जोधपुर और जैसलमेर की सीमा पर है हमदा, हाँ जी, मिस्टर सुरेंद्र यादव एकदम सही आंसर है, चट्टानी मरुस्थली प्रदेश, एकदम लड्डू सा सवाल है, एकदम लड्डू सा सवाल है, उदयपुर में तस्तरी नुमा आकार में फैली पहाड़ियाँ क्या कहलाती है, उदयपुर में
तस्त्री नुमा आकार में फैली पहाड़ियां क्या कहलाती है? हाँ जी, विष्णु खाती, एकदम सही आंसर आ गया आपका, गिरवा की पहाड़ियां कहलाती है। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ध्यान से सुने, राजस्थान, लड्डू सा सवाल है, एकदम शानदार लड्डू सा सवाल है, फूल पत्ती वाला सवाल है, इसको फूल पत्ती बना लो, ये बार बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन, जो मैंने बता दिए वो क्वेश्चन आपके ध्यान में होने चाहिए, उस पर मेन फोकस देना है। हाँ जी, 47 का, 47, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ध्यान से आंसर देना इसका, 47 का। नहीं, सबका आंसर गलत आ गया, मैंने यही तो इसीलिए तो डाला था, ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। मेरे को पता था कि सभी के सभी उपयोग सभी करेंगे। मुकंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? मुकंदरा की, हाँ जी, नरेंद्र मुकंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? जहाँ दर्रा अभ्यारण्य है, कहाँ पे है मुकंदरा की पहाड़ियाँ? पवन सिंह आपका स्वागत है, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर लिख के उसके बाद में आंसर दो। हाँ जी, कालू जी सोवा, आपका एकदम सही आंसर है, कहाँ पे? कोटा के दक्षिणी पश्चिम से झालरापाटन झालावाड़ तक है, ठीक है, एकदम सही आंसर है आपका। किस भौगोलिक काल में मरुस्थल के स्थान पर समुद्र का विस्तार था? किस काल में, हाँ, किस भौगोलिक काल में मरुस्थल के स्थान पर समुद्र का विस्तार था? नहीं, इसका आंसर है फर्मी कार्बोनिफेरस में के काल में मरुस्थल के स्थान पे ये समुद्र था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एक एकदम लड्डू सा सवाल है, एकदम लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? वनस्पति बिल्कुल भी नहीं है, 50 का आंसर। एक बार वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, लास्ट आंसर। मनोज टाक, गलत आंसर आपका। महेश कुमार, तो एकदम सही आंसर है आपका। हाँ जी, कल का क्वेश्चन का आंसर है डूंगरपुर, जो सोम कमला अंबा परियोजना कहाँ पे है? डूंगरपुर में। हाँ जी, कालू जी सोवा, एकदम सही आंसर। किशन देवासी, एकदम सही आंसर। हाँ जी, चैनल को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के पास, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, लाइक ज़रूर करके जाना और कमेंट जरूर करना कैसे लगे आपकी ये टेस्ट क्विज, और सब्सक्राइब करके जाना। हाँ जी, एकदम आपने कर दिया था, एकदम सही आंसर है। और इसी के साथ अपनी टेस्ट क्विज समाप्त होती है, और कल का विनर, मैंने रात तबीयत खराब थी तो इसलिए, गुड टेस्ट सर, थैंक्स सर, रात को तबीयत खराब थी तो इसलिए मैंने विनर निकाले नहीं है, और रात वाली और इस वाली की टेस्ट क्विज के विनर शाम को बता दूंगा, और शाम को इवनिंग में 1857 की क्रांति के सारे क्वेश्चन आएंगे, और वो मैं अपने ग्रुप में, अपना जो ग्रुप बना रखा है उसमें मैं, जय हिंद जय भारत, ठीक है, शाम को 1857 की क्रांति के क्वेश्चन आएंगे, 1857 की क्रांति के, जय हिंद जय भारत।